नमस्कार दोस्तों, NBCC के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.45% के क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में बेरिश पिन बार कैंडल आपको देखने को मिला। प्रीवियस कैंडल भी उस टाइप का था क्योंकि ऊपर के साइड में शैडो था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा, गिरावट आएगा? तो अगर ऊपर बढ़ते तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाए तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा? सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, NBCC शेयर जब स्टॉक यहाँ पर एक हायर है कंडीशन बना के ऊपर बढ़ रहा था, तो ऊपर बढ़ते 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 स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगा था 175, 175 को हाई लगा, देन 175 को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने हाई लगा था 197, राइट। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि स्टॉक आपको यहाँ पर एक्जैक्टली एक ऑफ ट्रेंड में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से स्टॉक यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो उसी तरीके से मूवमेंट यहाँ पर बना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखेंगे, अच्छा तो मूवमेंट बना है, दो दिन में शानदार मूवमेंट बना है यहाँ पर स्टॉक ने, आपने देखा होगा लगभग 10% 10.5% की इसमें तेजी था। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर की साइड से जो है सेलिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि पिन शैडो नजर आ रहा है दो दिन से ऊपर की साइड, मतलब कि सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर गिरावट कब आएगा? अगर ये स्टॉक अपना 175 का लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, या फिर इसके नीचे और एक सपोर्ट लेवल है 163 का, अगर इन दोनों को ब्रेक डाउन करे तो ही स्टॉक में गिरावट आ सकता है। लेकिन यहाँ पर गिरावट की इतनी संभावना नहीं है, संभावना बिल्कुल हाई है कि स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बन सकता है और स्टॉक ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर रुक गया बिकॉज ऑफ रीजंस है, इसी वजह से स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन फिर इसे जाने का भी ऊपर संभावना रहेगा। जैसे इस लेवल यानी कि 197 का लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में धमाकेदार तेजी आएगा। टारगेट की अगर बात करें, टारगेट आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो 220 का आपका पहला टारगेट रहेगा, 257 का दूसरा टारगेट रहेगा, एंड तीसरा टारगेट आपके सामने यहाँ पर रहेगा 293 या 294 मान सकते हो, उसके बाद रहेगा 316 या 317 का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को एक्सप्लेन कर लिया, इस वीडियो को लाइक करिएगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों।